हेलो दोस्तों, ये है इलेक्ट्रिक स्कूटी जो ओकाया कंपनी की तरफ से आती है। ये लो स्पीड व्हीकल है। इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन आराम से आपको एक चार्ज पे 70 से 80 किलोमीटर का माइलेज या दूरी तय कर लेती है। अगर आप इसे डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी अच्छा है। जिस तरह से पेट्रोल महंगी है, उस हिसाब से इसको देखा जाए तो ये आसपास में या आपके शहर में घूमने के लिए, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज जाने के लिए, इस तरह से ये स्कूटी काफ़ी अच्छी काम आ सकती है। लो स्पीड व्हीकल है तो इसलिए इसमें RTO या लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसके प्राइजेस कम होते हैं। हाई स्पीड व्हीकल में आपको लाइसेंस और RTO रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए इस स्कूटी की या बाइक की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। चूँकि इसमें लाइसेंस नहीं लगता तो ये आपको 70 से 80 हज़ार रुपये के आसपास किसी कीमत होती है। ये आपको बिलासपुर के शोरूम छत्तीसगढ़ में आपको मिल जाएगा। इसका शोरूम को डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ओकाया की तरफ से अलग अलग कलरों में उपलब्ध है। वाइट कलर, ब्लैक कलर, सभी तरह के अलग अलग कलरों में आती है। आप जिस तरह से देख पा रहे होंगे, इसके मोटर्स पीछे के रियर व्हील में लगे होते हैं और काफ़ी स्टाइलिश और अच्छे डिज़ाइन में आते हैं। इसका शॉकअप और गाड़ी की मजबूती काफ़ी अच्छी है। अच्छी हैवी भी है, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगी कि आप कोई बैटरी वाली गाड़ी चला रहे हैं। साउंडलेस होती है, बिल्कुल भी इसमें कोई आवाज़ नहीं आती और आसानी से आप इसे बहुत अच्छे से चला सकते हैं और सभी को ये सूट भी करेगी। थोड़ा सा ऑड वाला डिज़ाइन भी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल आपको परफेक्ट है। और सबको आपको डिजिटल मीटर भी दिया हुआ है। सीट के नीचे आपकी बैटरी मिलेगी जिसको आप आसानी से चार्ज कर सकते हैं और ईजी रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप उसे गाड़ी में ही चार्ज करें, लगा लगाया बैटरी पे, तो वह भी चार्ज कर सकते हैं, या चाहते हैं कि आप बैटरी को रिमूव करके घर के अंदर ले जाकर आप नॉर्मल सॉकेट से चार्ज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इस तरह से ये स्कूटी दिखती है। इसके सामने के हेडलाइट सामने में फ्रंट में दिया गया है और अलग अलग कलरों के डिज़ाइन में आते हैं। आपको इसके बारे में जानकारी और कुछ चाहिए तो आप कॉमेंट